ओडिशा रेल हादसे के बाद से ही कांग्रेस सत्तारूढ़ भाजपा पर हमलावर है। कांग्रेस इस हादसे को लगातार लापरवाही का नतीजा बता रही है और इसके लिए पीएम मोदी और रेल मंत्री को जिम्मेदार बता रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस हादसे की जांच सीबीआई से कराने की बात कही थी। अब कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सीबीआई जांच की बात केवल मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए की जा रही है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की सदस्य और पूर्व रेल मंत्री भक्त चरण दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सरकार कहती है कि दोषियों को दंड मिलेगा, सवाल यही है कौन दोषी है। सीबीआई जांच के नाम पर देश का ध्यान भटकाया जा रहा है। कैग रिपोर्ट में सामने आ चुका है कि 2017 से अब तक कितनी बार ट्रेन दुर्घटनाएं हुई, इस पर ना प्रधानमंत्री ध्यान दे रहे हैं और ना रेल मंत्री। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखकर कई महत्वपूर्ण बातों पर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इस पत्र में उन्होंने सवाल उठाया, क्या कारण है कि 2017-18 में रेल बजट को आम बजट के साथ जोड़ा गया। ऐसी ही कई और जरूरी बातों को श्री खड़गे द्वारा पत्र में उठाया गया है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को ओडिशा रेल हादसे के बारे में पत्र लिखा था। खड़गे ने कई मुद्दे उठाए थे। उन्होंने पत्र में लिखा, रेलवे को बुनियादी तौर पर मजबूत करने के बजाय खबरों में बने रहने के लिए ऊपरी तौर पर ही बदलाव किए जा रहे हैं। लगातार गलत फैसलों की वजह से रेल का सफर असुरक्षित बन गया है। रेलवे में 3,00,000 पद खाली हैं। पूर्वी तट रेलवे में जहां ये हादसा हुआ वहां भी 8,278 पद खाली हैं। कई वरिष्ठ पदों पर भी तैनाती नहीं हुई। रेलवे बोर्ड खुद इस बात को स्वीकार कर चुका है कि लोको पायलट्स पर काम का दबाव ज्यादा है, क्योंकि कर्मचारियों की कमी की वजह से उन्हें कई घंटे अतिरिक्त काम करना पड़ता है। लोको पायलट रेल सुरक्षा के लिए अहम होते हैं, ऐसे में उनकी रिक्तियां क्यों नहीं भरी जा रही। बता दें कि ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों की टक्कर के बाद सोमवार को भारतीय रेलवे ने बालासोर के बहरगा गांव में पटरियों पर यात्री ट्रेनों को चलाना शुरू कर दिया है। ट्रेनों की टक्कर के चलते ट्रैक बुरी तरह प्रभावित था, जिस पर रेलवे ने फौरन काम करते हुए दोबारा आवाजाही शुरू करने का काम कर दिया। युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य शुरू होने के बाद मरम्मत की गई पटरियों पर यात्री ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू किया गया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।